नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज के रोगों के लिए, जी हाँ, जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए ग्रीन टी कितनी फायदेमंद है। ग्रीन टी जो है वो एक कमाल की चीज है और ये मधुमेह जैसे विकार रोगों को नियंत्रण में करती है। अगर मधुमेह आपका कंट्रोल में नहीं है और आपको जटिलताएं पैदा कर रहा है तो आप ग्रीन टी उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको डेफिनेटली उसके अंदर आराम मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 मधुमेह होता है तो शरीर में शर्करा की मात्रा ज्यादा होने से उसका शरीर इंसुलिन पैदा करने में असमर्थ हो जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप हरी चाय का, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें बहुत फायदा कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और उसके जो गुण हैं वो इंसुलिन को बनाने में भी मदद करती है। मधुमेह विरोधी गुण होते हैं हरी चाय के अंदर। मधुमेह से ग्रस्त रोगी में ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है और उनमें ग्लूकोज को बढ़ाता है। हरी चाय में थोड़ी मात्रा में कैफीन भी होती है जो शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करती है। जो लोग टाइप 2 के मधुमेह से ग्रस्त होते हैं उन्हें ग्लूकोज और लिपिड चयापचय विकारों का सामना करना पड़ता है। हरी चाय में कैथेचिंस पाया जाता है जो इन विकारों और इन समाधारों को दूर करने में मदद करता है। और हां, टाइप 2 का मधुमेह रोगी मोटापे का कारण बनता है, लेकिन हरी चाय में ऐसे गुण हैं कि जो रोगी के शरीर में से फैटी एसिड कम करती हैं और उसके मोटापे को कम करता है। मधुमेह की मुख्य वजह यह होती है कि उसके शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी बंद हो जाती है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और हरी चाय शरीर में मधुमेह को रोक कर रखने में एक सक्षम पेय पदार्थ है, इंसुलिन को बनाती है और आदमी को, मरीज को बिल्कुल ठीक रखती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको डायबिटीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन टी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और आपकी बहुत ही खतरनाक बीमारी शुगर, डायबिटीज, इसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी अच्छी जानकारी आप लेते रहिएगा और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हम पर टिप्पणियां कर सकते हैं, आपके शेयर और लाइक हम आपका इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।